शहर ओलिया की टूटी फूटी सड़कें अब आपके लिए दर्दे सर बन गए। मछली मंडी से गुजरने वाली रोड एंड साइड से टूट फूट का शिकार आज साफ मामूल बन गए। राहगीरों और दुकानदारों को मुश्किल, शहरियों का आला हुकाम से रोड की जल्द मरम्मत कराने का मुतालबा। वेस्ट मैनेजमेंट मुल्तान की कारकर्दगी जीरो, सफाई सुथराई के मसायल झूंगे तो एक कार रोड पर कचरे के अंबार लग गए। ताफुन फैलने से इलाके में किन्नों को मुश्किल का सामना, अहले इलाके का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। शहर ओलिया की तफरी गाहें बराए नाम रह गई। शाह शम्स पार्क में झूले बंद होने से बच्चे मायूसी का शिकार, तफरी के लिए पार्क में कोई इंतजाम नहीं, मिनी ट्रेन फॉल की जाए, बच्चों की मासूमाना आती। मुजफ्फरगढ़ में छठी तलजी पहली जैन महमूद ने जीत ली। मुकर्रा फासला 2 घंटे 8 मिनट और 39 सेकंड में तय किया। दिफाई चैंपियन साहबजादा सुल्तान टाइटल का दिफा न कर सके। साहबजादा सुल्तान दूसरे और नादिन मकसी तीसरे नंबर पर रहे। खातीन कैटेगरी में तृष्णा पटेल ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। माहम दूसरे नंबर पर रहे। एलजी पैली और मेले की 4000 रंगारंग तकरीबात इख्तिताम पजीर, बेहतरीन परफॉर्मेंस से खिलाड़ियों को इनाम से नवाजा गया। एमएनए मजीद नियाजी ने कहा, थल मेला और जी पैली ने हमारी सकाफत को भरपूर उजागर किया। आइंदा साल जी पैली का आगाज और इख्तिताम चौबारा से होगा। डीसी लैया असगर ज़िया ने बेहतरीन कवरेज पर रोही का शुक्रिया अदा किया। आरपीओ बहावलपुर शेर अकबर का डीपीओ फैसल कामरान के हमरा किरा ड्रावर का दौरा, चोलिस्तान जीप रैली इंतजामात का जायजा लिया। डीसी बहावलपुर इरफान काठिया की ब्रीफिंग, डायरेक्टर टीडीसीपी ने रैली की तरबियत पर ब्रीफिंग दी। मवेशी पाल हजरात की मुश्किलात बढ़ गईं, बढ़ती महंगाई से मवेशी भी मुतासर। कहरोर पक्का में चारे की कीमत आसमान से बातें करने लगी। सब चारे की कीमत 240 से 300 रुपए फी मन हो गई। टाल मालिकान की मनमानियों से मवेशी पाल हजरात परेशान, इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। शराय सूद में इजाफा और आईएमएफ के साथ मुआहदे से ताजरों को महंगाई बढ़ने का खदशा। सदर मुल्तान बिजनेस फोरम चौधरी इमरान अहमद की रोही से गुफ्तगू, कहा शराय सूद में एकदम होशुबा इजाफा हुआ, आइंदा चंद दिनों बाद महंगाई का तूफान आएगा। महंगी बिजली के सनअतकारों की भी चीखें निकलवा दी। मुल्तान की पावर लूम्स इंडस्ट्री आखिरी सांसें लेने लगी। लाखों रुपए के बिल्स भेजे जाने लगे। पावर लूम्स मालिकान ने लूम्स कबाड़ में फरोख्त करना शुरू कर दी। महंगी बिजली से अखराजात पूरे करना मुश्किल, परेशान हाल पावर लूम्स मालिकान का हुकूमत से बिजली सस्ती करने का मुतालबा। पीपी 206 खानेवाल का जिमनी इलेक्शन, सियासी जोड़ तोड़ जारी। जलई सदर काफलीग सरदार वहाब सुल्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। गिलानी हाउस इस्लामाबाद में साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी भी मौजूद थे। यूसुफ रजा गिलानी ने सरदार वहाब सुल्तान की शमूलियत को खुशायन करार दिया। पीपी 206 खानेवाल की जिमनी इलेक्शन की सरगर्मियां जारी। साबिक एमएनए मेजर आफ्ताब खान दाहा के साहबजादे डॉक्टर वकार अहमद खान दाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नूरी निशार दाहा की भरपूर हिमायत करेंगे। साबिक सूबाई वजीर मोइन रियाज कुरैशी आसिम भी हमरा। सुबह भर में बड़े पैमाने पर जजेस के तकरार तबादले, सिविल जज मियां मोहम्मद नमान सर्वर का लाहौर से मुजफ्फरगढ़ तबादला कर दिया गया। सिविल जज मिस शहनाज शबीर अहमद अब्बासी लाहौर से मुल्तान, सिविल जज सुलेमान आसिफ को लाहौर से रहीम या खान तैनात कर दिया गया। सिविल जजेस मिस समरा जफर और मिस रबिया का लाहौर से मुल्तान तबादला, सिविल जज आसिफ अली को लाहौर से राजनपुर, सिविल जज कमर जमान को मॉडल टाउन से रहीम या खान तैनात कर दिया गया। महकमा एंटी करप्शन का डेपुटेशन पर आए अफसरान और अहलकारों की छानबीन का फैसला, 3 साल से जायद अरसा तैनात डेपुटेशन अफसरान का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तमाम रीजनल डायरेक्टर्स को रिकॉर्ड फौरी फ्राहम करने के अहकाम जारी। जराये के मुताबिक एंटी करप्शन के साबका ऑफिसर्स के खिलाफ भी तहकीकत शुरू होने का इम्कान है।
कबीरवाला में डाकू भी लगा, पुलिस वारदातें कंट्रोल करने में नाकाम। मौजा कोहीवाला में 8 डाकू की शादी वाले घर में डकैती, 3.5 लाख रुपए नकदी, तेलाई जेवरात और कीमती सामान लूट के फरार। मुजाहमत पर अहले खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। इतला के बावजूद सदर पुलिस चार वक्फा पर ताखिर से पहुंचे। लियाकतपुर में डाकू आवाम के हथे चढ़ गए, बस स्टैंड के करीब डकैती की कोशिश नाकाम। 4 डाकू दुकानदार को लूट रहे थे, आवाम ने 2 डाकू पकड़ लिए, 2 हवाई फायरिंग करते हुए फरार। शहरियों ने डाकुओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जंग रोड पर मनकेरा के नजदीक 2 गाड़ियों में तसादुम, 1 शख्स जा बहक, 5 अफराद जख्मी, 3 जख्मी को DHQ अस्पताल मुंतकल कर दिया गया। पाकिस्तानी उमरा जायरीन के लिए अच्छी खबर, हरमैन शरीफ एंड की रौनकें बहाल होने की मरहलावार। सऊदी अरब का पाकिस्तानी जायरीन को उम्र की इजाजत देने का फैसला, आइंदा माह से पाकिस्तानी जायरीन के लिए उम्र बहाल किया जाएगा। गर्मियों में मिलेगी अब मैपको सार्फिन को बेहतर वोल्टेज के साथ बिजली। सर्कल भर में 20% ट्रांसफार्मर की तब्दीली और नई तनसीब जरूरी करार। मुरम्मत और तब्दीली वाले ट्रांसफार्मर्स को फौरी वर्कशॉप भिजवाने की हिदायत। रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर हेडक्वार्टर अर्पा की जाएगी, चीफ इंजीनियर का मरास्ता। शहरोल पक्का में किसानों को रिलीफ फ्राहम करने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक, असिस्टेंट कमिश्नर के महकमे ज़राअत ऑफिसर्स के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर छापे। अमीरपुर सादात में खाद जखीरा करने वाले 3 दुकानदारों की दुकानें सील कर दी। दुकानों में छुपाई गई 1400 बोरी खाद बरामद, जखीरांदोजों को 1,05,000 जुर्माना भी किया गया। कमिश्नर बहावलपुर जफर इकबाल का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, गल्ला मंडी और डेरा भक्का की मंडियों में हुकूमत के मुकर्रर करदा नर्ख पर यूरिया खाद की फराहमी का जायजा लिया। दुकानदारों और डीलरों को यूरिया खाद की फराहमी का रिकॉर्ड भी चेक किया, कहा काश्तकार किसी भी सूरत सरकारी नर्ख से ज्याद रेट पर खाद न खरीदे। डेरा गाजी खान में सेक्रेटरी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स पंजाब लियाकत अली चट्ठा का चैंबर ऑफ कॉमर्स का दौरा, एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शिरकत की। पंजाब में इंडस्ट्री के फरोग और वर्कर्स की फलाह बहबूद के इकदाम से आगाह किया। लियाकत अली चट्ठा सदर डॉक्टर मोहम्मद शफीक खान बताफी की दावत पर चैंबर ऑफ कॉमर्स पहुंचे। महकमे का वकार बुलंद करने पर CPO मुल्तान हुए पुलिस अफसरान से खुश, बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और अहलकारों को इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा। CPO मुनीर मसूद मार्च ने कहा, शहरियों की जान और माल के तहफ्फुज़ के लिए मुल्तान पुलिस सरगर्म है। मुल्तान में अल कुरान इंस्टीट्यूट की जानब से मोटिवेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का इनका मारूफ ट्रेनर राजा जियाउल हक और मोहम्मद अली ने नौजवानों को अहकाम इलाही के मुताबिक जिंदगी गुजारने की गुर सिखाई। नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। खिदमत खल्क के लिए रहीम यार खान के नौजवान मैदान में आ गए, फलाही तंजीम का एहसन इकदाम। गुलशन उस्मान में 1 रोजा फ्री टेस्टिंग कैंप, गरीब और मुस्तहिक शहरियों के हेपेटाइटिस, शुगर, एक्सरे, टेस्ट और जनरल चेकअप किए गए। शुजाबाद में इंटर कॉलेजेट स्पोर्ट्स का मेला सज गया, PTI तहसील सदर हाफिज कामरान और सिटी सदर चौधरी आसिफ ने इफ्तिताह किया। तलबा के दरमियान रसाकशी, क्रिकेट, फुटबॉल और दीगर दिलचस्प मुकाबले। प्रीमियर कॉलेज ने इस्लामिया कॉलेज को क्रिकेट में शिकस्त दी, विनर टीम के तलबा ने जीत का जश्न मनाया, शायकीन महसूस होते रहे।